हेलो गाइस, बहुत दिनों बाद स्वागत करता हूँ आपका एक दूसरे ब्लॉग के अंदर। अभी सर्दी का मौसम है ओरियल में और हम लोग अभी जा रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड में। हम लोग एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं दोबारा, विंटर्स कप। जो एक बार टूर्नामेंट हो चुका है, बस दोबारा करवा रहे हैं और विंटर्स कप है ये। हमारे भाई बंधु है, सामान वामान उठा लिया इन्होंने, पिच विच बनाने के लिए जा रहे हैं, टूर्नामेंट होगा कल। और ये हमारे रोहन शर्मा, कहाँ जाएंगे सर? आज हम जा रहे हैं हमारे नवगोष्ठी के ग्राउंड पे और हम उसको थोड़ा अच्छा करेंगे, क्योंकि वो लास्ट टाइम बारिश हुई थी 2-3 दिन। हम चाहते हैं उस ग्राउंड पे बहुत अच्छा कर ले, एक टूर्नामेंट हो सके। और हमारे नए प्लेयर भी आए मेवाड़ा। सीधा ये कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत ही मतलब उत्साहित हूँ और मैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करूँ। और हमारे साथ दक्ष चौहान, जो पिछले टूर्नामेंट को मिस कर गए थे, इंडिया की फ्लाइट थी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उत्साह है और कौन सी टीम से आप खेल रहे हैं? मैं गोगा वॉरियर का प्लेयर हूँ, बाकी अपना काम एक ही है, या तो विकेट लेना या शरीर पे चोट देना। और ये हमारे आशिक सफाई कर्मी आशिक। चलिए, तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं, थोड़ी सी भीड़ ज्यादा होने की वजह से हमको खड़ा रहना पड़ता है। और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में और आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, पिच रिपोर्टिंग दिखाएगा आपको। तो हम ये बस स्टॉप पे उतर चुके हैं, सारे प्लेयर यहीं पे, अभी हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये है छोटा सा सरप्राइज, ये हो गई तैयार पिच। स्वागत है दोबारा अमित द्वारा। और कुछ बात ऐसी है कि टूर्नामेंट होने जा रहा है, इसको नाम दिया है विंटर्स कप। और पिछली बार जब हमने टूर्नामेंट करवाया था तो उसमें चार टीम थी, एक गोगा वॉरियर, ब्लैक पैंथर, गेम चेंजर और मास वॉरियर, चार टीमें थी। और इस बार किसी कारण से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से हमको टीम कम करनी पड़ेगी। ये तो पिछली बार जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें बहुत मजा आया था, काफी लोग आए थे उसमें। वो उस समय कुछ रियल फील हो रहा था कि कुछ तो होने जा रहा है। और पिछली बार सब कुछ अच्छा रहा था, बस मौसम ने साथ नहीं दिया था हमारा। और मतलब एक एग्रेशन, एक जोश था हर किसी प्लेयर के अंदर कि भाई उसको टूर्नामेंट खेलने जा रहा है। पर पहले मैच हुआ, दूसरे मैच तक बारिश आ चुकी थी, तो फिर बारिश ने पूरा मजा खराब कर दिया था। पर प्लेयर में उत्साह बहुत था और उस ऐसी कंडीशन के बावजूद भी जहाँ पे सबको 90% खिलाड़ियों को ये लग रहा था कि अब टूर्नामेंट कैंसिल हो चुका है, उसके बावजूद भी हमने टूर्नामेंट का फाइनल करवाया। हालांकि बड़े लेवल पे नहीं है टूर्नामेंट, एक छोटे लेवल पे ही है, पर उस लेवल पे भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। और मेरा ये मानना है कि खेल कूद बहुत ज़रूरी होता है, आदमी फिट और फाइन रहता है और चीज़ें डील करनी आती है, सीखने को मिलता है। जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है, तुमको क्या करना है, कैसे क्या करना है, मैनेज करना है, एक बार हारता है आदमी, दूसरी बार हारता है, तीसरी बार हारता है, पर वो हार जो होती है हर बार कुछ ना कुछ सिखा देती है। तो उसको मरने मत दीजिएगा, आप भी हमेशा जिंदा रखिएगा। और जो भी कोई स्टूडेंट नया यहाँ पे आ रहा है और ये ब्लॉग देख रहा है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चाहे इंडिया में कुछ भी स्पोर्ट खेलते हो, यहाँ आके किसी भी वजह से उसको छोड़ना ना पड़े तुमको, है ना, और उस चीज़ को मेंटेन करके चलना और आगे तक ले जाना उस चीज़ को, और हमें अपनी लाइफ का पार्ट बना के चलना उसको। और वो इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि यार इसका तो कोई सेंस ही नहीं है मेरी लाइफ में, बट आपका बहुत सेंस बनेगा उस चीज़ से। सबके चेहरों पे अलग ही खुशी नजर आ रही है। और अभी हम मिलाएंगे हमारे पॉल अकांश से, ये है अकांश पॉल, द राजा ऑफ द किंग, द किंग ऑफ द राजा। और ये है मासूम। मासूम क्या कहना चाहेंगे आज के टूर्नामेंट के बारे में? बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, जल्दी स्टार्ट हो गया। और ये हमारे एक कैप्टन, क्या कहना चाहेंगे? और हमारे यहाँ पे यूट्यूबर शिवम तिवारी, यूट्यूबर शिवम तिवारी कान में डाल दी इसने तो। ए तिवारी, ये है यूट्यूबर, धन्यवाद शिवम तिवारी, क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट? बस आज टूर्नामेंट बहुत शानदार करवाया हमारे साउंड बैग ने। और पहला मैच है गोगा वॉरियर्स वर्सेस ब्लैक पैंथर, और बस हमारा क्रॉस होने वाला थोड़ी देर में,
देखते हैं सब प्लेयर तैयार है। और ये है हमारे वन एंड ओनली द चाय लवर ताई भाई, क्या कहना चाहेंगे सर? कोई मतलब नहीं है, तो बॉल खेलने की पूरी फिराक में है ये, तो क्या कहना चाहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? चलो जैसे आप देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं ग्राउंड में, इसकी तरह इसकी एक नंबर हो चुकी है और टीम के मेंबर भी आ चुके हैं सारे लगभग। तो मैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है और खिलाड़ियों में उत्साह काफ़ी है। आज आप मुलाकात करवाते हैं ओल्ड एज पर्सन भाई, मैंने आपसे और आज बहुत ही शानदार है, कहीं बाउंस हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, तो मुझे बोल देना। बहुत ही शानदार है, थोड़ा कहीं बाउंस हो रहा है, थोड़ा दिक्कत आ रही है, पर उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमें इस टूर्नामेंट का। हम चाहेंगे बड़े कि जोश से सारे युवा ग्राउंड पर आए और अपना प्रदर्शन दिखाएं। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने ये सब किया है, हाँ, और देखते हैं क्या होता है, आपको पूरा दिखाया जाएगा। थोड़ी गर्मा गर्मी के साथ बने रहें और क्रिकेट मैच की लाइव अपडेट हम देते रहेंगे। बिल्कुल, एक सिंगल आया अभी फिलहाल, गौरव सिंगल आया है और इधर बैट बॉल आया है, उधर वो जोन चेंज कर रहे हैं, पारी खेल रहे हैं वो नेवाड़ा की, हमें बहुत ही रुक के खेल रहे हैं, मैच चल रहा है, अफ्रीकन टीम खेल रही है, हमें ये मैच जीतना है। ये हमारी टीम इंडिया के सीधे प्लेयर आए हैं यहाँ पे, सीधे टीम इंडिया से प्लेयर नहीं, नहीं कोई जहाज से आता है, कोई एरोप्लेन से आता है, लेकिन सीधे आए हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा डालेंगे हम ब्लॉग में, नहीं वो जो चार ओ छक्का, क्या छक्का है भाई, झूठ क्यों बोल रहा, पता नहीं क्या ब्लॉग ब्लॉग के लिए थोड़ा सा नमक मिर्च डालते हैं। देखो चौका, ये तो बहुत ग्रेट शॉट है, शॉट है, शॉट एक है सिंगल, चलो सिंगल सिंगल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक और एक और एक और, ये हमारे रघु बल्लेबाजी करते हुए बॉलिंग पे फैजान, और ये दिया है घुमा के शॉट, ये भी कड़क है, ये भी शानदार, आपकी टीम में एनर्जी भरी हुई, आप भी आप बहुत बढ़िया। और ये हमारे ब्लैक पैंथर के कुछ नगीने जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैच को लास्ट तक लेके गए और कसम कसी हुई, बाकी जो होना था वो तो हो गया। वरदा भाई क्या कहना चाहेंगे मैच के बारे में? अभी मेरा मूड खराब है, साइड हो जाएगा। भगू भाई आप क्या कहना चाहेंगे? देवरा भाई पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे पर आपने बहुत अच्छा शॉट, हां अभी क्या कहना चाहेंगे? शॉट शॉट अच्छा मैच, जैसा कि गोगा वॉरियर पहला मैच जीत चुकी है और अब आपको मिलाएंगे गोगा वॉरियर के कुछ हसीन चेहरे जो आपको बयां करेंगे इस जीत को। और ये है गोगा वॉरियर, ये गोगा। तो पहला मैच हम लोग जीत चुके हैं ब्लैक पैंथर से, अब वापस दूसरा मैच चल रहा है, इसके बाद वापस तीसरा मैच होगा, तो देखते रहिए आगे, बहुत मजा आने वाला, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, पूरे मैच में वो शानदार, बहुत मजा आएगा, लास्ट बॉल तक मैच गया है, सभी को दर्शकों को खिलाड़ियों को बहुत मजा आया, और बने रहे लाइन पे, आगे और मजा आएगा। और जो बहुत बढ़िया बैटिंग रही आपकी साम भाई, और बाकी सबने अच्छा संघर्ष किया, और ये बाकी आज का हसीन चेहरा है ये, मैंने तेरा भरोसा खेला, आज इसने मेरा भरोसा खेल लिया। बिल्कुल सर, हम गोगा के लिए ही है बने हैं, और गोगा के लिए आगे अपना बैट उठेगा, अपना जो बैट है, अच्छा, और बाकी अपना है कि गोगा से ही होगा, गोगा से ही होगा, किसी से नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे विपक्षी टीम, इन्होंने बहुत मेहनत की, सही थी बॉलिंग, बॉलिंग अच्छी थी, बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे हमारे गोगा की? आपका वो जो ये वाला शॉट था, क्या बोलते हैं उसको, कवर ड्राइव, कवर ड्राइव बहुत अच्छी थी, जैसे विराट कोहली की है, आई लव दिस। जय गोगा, जय गोगा।